हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। आज हम देखेंगे मार्क्यू का जो एसी आता है, ये 1.5 टन वाला मार्क का एसी है। 2018-19 में परचेस किया है। मार्क एक्चुअली फ्लिपकार्ट का ब्रांड है, पर आप सरप्राइज हो जाएंगे कि मार्क का जो प्रोडक्शन है, मतलब फ्लिपकार्ट जो मार्क एसी या फिर मार्क के जो अप्लायंसेस है वो बनवा के लेता है, तो वो मैन्युफैक्चर्ड बाय IFB है, IFB गोवा, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो चलो अभी देखते हैं मार्क का एसी का फुल फंक्शन रिमोट का। अभी मैं इसे ऑन कर देता हूं, तो देखिए एसी ऑन हो गया है। ये जो रेड वाला बटन है, ये ऑन ऑफ के लिए है एसी के। ये जो है टेम्परेचर डाउन करने के लिए, ये टेम्परेचर अप करने के लिए। मतलब इससे मैं टेम्परेचर डाउन कर सकता हूँ, देखिए उस पर भी हो रहा है 20। इसे अप कर सकता हूँ, देखिए अप हो गया 22, 24, देखिए 24। दूसरा है फंक्शन इसमें, ये है मोड। तो अभी ये बहुत सारे मोड है इसमें, अभी पहला मोड देखते हैं। ये तो अभी ऑटो पे है। अभी पहला मोड है कूलिंग का, मतलब आपको अगर सिर्फ कूलिंग चाहिए, बाहर बहुत ज़्यादा हॉट है, तो आप ये कूलिंग का लेके उस हिसाब से टेम्परेचर सेट करके फ़ैन का स्पीड मैनेज करके आप एसी का मज़ा ले सकते हैं। उसके बाद में है दूसरा मोड है ड्राई, मतलब जैसे बरसात में या फिर बरसात और समर के बीच में का जो मौसम होता है बहुत ह्यूमिड होता है, तो उसके लिए हम ये ड्राई वाला मोड यूज़ कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा ठंडा तो नहीं पर ड्राई ड्राई फील रहेगा, ठंडा भी लगेगा, ये मोड है। थर्ड मोड है हीट, एक मिनट फिर से करता हूँ, ये है हीट वाला। इसमें आप बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब टेम्परेचर बिलो 15 बिलो 20 के अंदर है, तो हम इसे हीट पे करके टेम्परेचर मैक्सिमम 30 तक रूम का टेम्परेचर मैनेज कर सकते हैं। 30 के ऊपर ये नहीं हो पाएगा, पर फिर भी बाहर के एटमॉस्फेयर से थोड़ा गर्म हमें महसूस होगा। तो ये इसके चार मोड है, ऑटो, कूल, ड्राई एंड हीट। उसके बाद में है स्विंग। तो ये जो स्विंग वाला है, तो इसमें खाली वर्टिकल स्विंग होता है। एक मिनट आपको बताता हूँ, वर्टिकल स्विंग का ऑप्शन आता है इस वाले मॉडल में। देखिए जैसे ये वर्टिकल स्विंग अभी शुरू हो चुका है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल स्विंग नहीं होता है इस वाले मॉडल में, वो हमें मतलब हम वो मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। वो कैसे आपको बताता हूँ, एक मिनट। इसका जो देखिए आपको ये जो अभी इसको नीचे आने देते हैं थोड़ा सा, ये देखो ये वाला जो नॉब है, इससे हम इसे लेफ्ट या राइट एडजस्ट कर सकते हैं अपने रूम के मतलब किसी कोने के हिसाब से, मतलब जिस कोने में आपका बेड है उस हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये हो गया स्विंग का ऑप्शन। ये एक इको वाला बटन आता है इसमें, इको वाला, मतलब वो क्या करता है, आपका फ़ैन का स्पीड और कूलिंग वो बराबर मैनेज करके, मतलब आपका एनर्जी कंजम्पशन कम आए और रूम का टेम्परेचर, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा आदत होती है कि बाहर का टेम्परेचर अगर 40-45 है तो अंदर का टेम्परेचर एकदम 18 कर लेंगे, 16 कर लेंगे या फिर 20 रख देंगे। तो एक्चुअली 24 इज़ अ बहुत अच्छा टेम्परेचर है, ये इस पर हम रह सकते हैं। तो ये इको का है, वो ऑटोमेटिक ये सेट कर लेगा। उसके बाद में है ये फ़ैन स्पीड, फ़ैन का स्पीड हम इससे मैनेज कर सकते हैं। अभी देखो लो पे है, ये मीडियम पे आ गया, फिर हम इस पे हाई पे कर देते हैं। तो ये हो गया फ़ैन के स्पीड का बटन। अभी दूसरा है इसमें टाइमर ऑन, तो हम इसे टाइमर ऑन होने का टाइम अपन इसमें डाल सकते हैं, जैसे 1 घंटे बाद ऑन करना है या 1.5 घंटे। हम इसे मैक्सिमम अपन 24 आवर्स तक हम इसे मतलब टाइमर सेट कर सकते हैं। देखो 24 के बाद में फिर से ये ज़ीरो हो जाएगा। वैसे ही सेम इसके बाद में टाइमर ऑफ है, मतलब हमें एसी चालू कर दिया है, अभी सुबह 4-5 घंटे के बाद में सब ठंडा हो जाता है, तो हम उसे 4-5 घंटे के बाद में ऑटो ऑफ का टाइम सेट कर सकते हैं इस वाले बटन से। जैसे देखो मैं अगर इसे कर दूंगा कि 2 घंटे के बाद ये ऑफ हो जाए, तो उस हिसाब से ये ऑफ हो जाएगा। ये हो गया टाइमर का। उसके बाद में है LED डिस्प्ले।
ये जो इस पे एलईडी डिस्प्ले आता है जैसे 24 लिखा हुआ है, वो हम इसको ऑफ कर सकते हैं। मतलब एसी ऑन रहेगा, सिर्फ वो एलईडी डिस्प्ले नहीं दिखेगा, उसका वो बटन था। उसके बाद में ये टर्बो, मतलब अगर आप बाहर से बहुत हॉट से आ रहे हैं, बहुत रूम गर्म है और आपको टर्बो कूलिंग चाहिए, मतलब एकदम इमीडिएट रूम को ठंडा करना है, तो आप इसे टर्बो को प्रेस कर दीजिए। मतलब आपको वो फ़ैन का स्पीड हाई करो, फिर टेम्परेचर लो करो, वो करने की ज़रूरत नहीं। ये अपने आप जो टेम्परेचर सेट किया है उस पर फ़ैन का स्पीड बढ़ा के टर्बो कूलिंग चालू कर देगा। ये था टर्बो का बटन। उसके अलावा ये देखो दो छोटे यहाँ पे डॉट दिख रहे हैं, ये एक्चुअली डॉट नहीं है, ये रिसेट और लॉक के बटन है। इसको हम नॉर्मल अपन उंगली से नहीं दबा सकते, इसको हमें या पिन या टूथपिक या फिर किसी बारीक सी चीज़ का जैसे पेन है उससे ये करना पड़ेगा। जैसे जो भी सेट किया है टाइमर या फिर सब चीज़ें, वो अगर रिसेट का पिन से मैं सेट करता हूँ तो रिसेट पूरा हो जाएगा रिमोट। और लॉक का जो बटन है उसे लॉक कर देता हूँ, तो किसी घर में आपके बच्चे होते हैं वो रिमोट दबा के एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा करते हैं, कुछ ये करते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए दो ये है। तो ये था मेरा शॉर्ट सा वीडियो आपको ये रिमोट के बारे में। ये अभी क्या होगा, अभी लेटेस्ट वाले जो मार्क के एसी आ रहे हैं उसका रिमोट थोड़ा अलग आता है, पर फंक्शन लगभग सेम ही है सब। फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कुछ रहते हैं तो आप मुझे वो कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा कुछ और दिक्कत आती है तो वो भी मुझे बताइए। एनर्जी कंजम्पशन के लिए हमें क्या करना है, कम से कम एसी का बिल आए इसके लिए एक मैं टिप आपको देना चाहता हूँ कि जैसे ही आप रूम में आते हैं तो आप टर्बो कूलिंग का ऑन करके रूम को ठंडा कर सकते हैं। फिर उसके बाद में फ़ैन का स्पीड जितना कम रख सकते हैं और एसी का टेम्परेचर जितना ज़्यादा, मतलब मिनिमम 24, 25, 26 रख के आप फ़ैन का स्पीड कम कर दीजिए, तो आपका बिल अपने आप कम आ जाएगा। मतलब जो आउटडोर यूनिट है वो अपने उस हिसाब से जलेगा, मतलब वो कंटिन्यूस नहीं जलेगा। अगर आप टर्बो ही रखेंगे या फिर टेम्परेचर कम ही रखेंगे, फ़ैन का स्पीड ज़्यादा रहेंगे, तो बाहर का जो आउटडोर यूनिट है वो कंटिन्यूस चलता रहेगा, उससे आपका एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर रखें और एसी के ब्लोअर का फ़ैन का स्पीड कम रखें, इससे आपको बिजली का बिल बहुत कम आएगा। तो चलो दोस्तों, मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। बाय।